Thank you. Yeah. Thanks, thanks. Love you, love you, love you. Thank you very much. Thank you. Love you too, love you too. Mwah. Thank you. Love you too. ये सुधरेगा नहीं. No, no, no. पांच मिनट और नहीं रुक सकता था. मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लेने वाला था मैं. चल फट, टावर उठा फटाफट. 8 बजने को है, हिटलर आने को है, पानी जाने को है और तू इधर खड़ा सुसु करने को है. अरे हाँ यार, बहुत जोर की आ रही है. जल्दी जा. चल. ठीक है, जानता नहीं मैं छोटा हूँ और औरों से ज्यादा भूखा हूँ. जल्दी से थोड़ा और डाल दे. मेरा हाथ उठने को है और तू मुझसे पिटने को है. समझा राघव? दादा, राघव दादा बोल. आधा पादा कौन पादा, किसमें ताकत सबसे ज्यादा? राघव दादा. लेकिन मुझे तो कम क्यों? क्योंकि तू किधर मिला था? किधर मिला था? कचरे के डब्बे में. इसीलिए इसका नाम क्या है? डब्बू. ए डब्बू. तो डब्बू को मिलेगा इतना हिच. पूछने का नहीं, सोचने का नहीं, कान के नीचे देने का. चल हट. तूने डब्बू को क्यों मारा बे? तेरे को मारू? चल चल, नहीं तो तेरे को भी चम्मच फूली मिलेगा. क्यों? क्योंकि ट्विडलर का चमचा, इसलिए तेरी ही मनमानी चलेगी. ये देख. नहीं तो मारू. हाथ लगा कर देगा ना. अच्छा, अबे लगाना. अबे कर क्या लेगा तू, बोलना. तू क्या कर लेगा? अबे चल जा, बस कुत्ते की तरह भौंकता रहता है. कुत्ता होगा तू, देख मैं बोल रहा हूँ तेरे को. अच्छा, अबे चल जा, सीधे से बोल रहा हूँ मैं. तूने मुझे हाथ लगाया ना, दुख बता दो तुझे. You bloody basket. Bin murghe ke ande. This is not your auntie ka ghar. No. This is John Kakkar's orphanage. Hopping me. Mar mar ke murga bana dega tere ko. कौन गिराया? सर करण ने. सर मैंने नहीं गिराई सर. सर ये राघव नहीं गिराया. ये राघव झूठ मत बोल. सर ये राघव नहीं गिराई सर. बास्केट करण, शो योर हैंड. शो. सर ये बदमाशी राघव कर रहा था. शट अप यू बिन मुर्गे के अंडे. एंड यू गो टू ऑफिस एंड बिकम मुर्गा फर्स्ट. उसके बाद ऑर्फनेज का पूरा फ्लोर तुम साफ करेगा. गो 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 गो. And you, my dear padre, सबको अच्छी तरह नाश्ता कराने का, okay? My good boy. ये हिटलर ना हमेशा मुझे ही पकड़ता है. राघव को मैं छोड़ूंगा नहीं. देख लूंगा मैं उसको बाद में. बहुत नाटक करता है. फिर मुर्गा, ये ले. हाँ, इसके बाद सारे कमरों की सफाई भी करनी पड़ेगी हमेशा की तरह. बोलू दादा, साथ साथ टीवी भी चलाओ ना. कल इंडिया का फर्स्ट मैच था. भाई क्या देखना उस मैच का. हार गई इंडिया. क्या हार गई इंडिया? ना जाने कौन सी चक्की का आटा खाते हैं ये क्रिकेट के लौंडे. टिकते ही नहीं मैदान में. लेकिन बोलू दादा, अपना वो कैप्टन वरुण, वो तो अच्छा खेला होगा ना. ओए अकेला कैप्टन क्या कर लेता. बोलू दादा, वो कपिलपाजी वाली कहानी सुनाओ ना. कहानी नहीं है वो, हकीकत है. हकीकत. आज सोचकर भी यकीन नहीं होता कि ऐसे बंदे थे हमारी क्रिकेट टीम में. लेकिन कपिलपाजी का जवाब नहीं. बताओ ना, वो इंडिया कैसे जीती थी 83 वर्ल्ड कप? कैसे क्या जीती थी? दुश्मन की छाती पर पैर रख कर जीती थी. अंग्रेजों की धरती पर जिम्बाब्वे की टीम सामने 17 for 5 विकेट. और फिर कपिल पाजी आए, आते छा गए. चक दे बट्टे, ले चौके, दे छक्के. होश उड़ा दिए कपिल पाजी ने.
175 फॉर नॉट आउट। अरे 175 फॉर नॉट आउट नहीं, 175 नॉट आउट। ओए चुप कर। और एक ये खेले हैं कल, 175 फॉर ऑल आउट। भाई कैप्टन बहुत गुस्से में है आज। लगता है लेफ्टी आज बॉल ही फाड़ डालेगा। रिलैक्स वरुण भाई। सुना है न्यूज़पेपर्स के आज रिकॉर्ड सेल्स हुए हैं। ओके, सो अकॉर्डिंग टू देम तुम सबको क्रिकेट खेलना बंद कर देना चाहिए। और वो तब जब हम कल का मैच सिर्फ 5 रन से हार गए। एंड यू मेड 62 ऑफ 78 बॉल्स। सोहेल टुक 4 फॉर 42, मैडी स्कोर 46 नॉट आउट एंड सोनी टुक 2 ग्रेट कैचेस एंड जस्ट 9 एक्स्ट्रास। वी प्लेड वेल मालिनी, वी प्लेड रियली रियली वेल। हम हार गए इसलिए ऑल दिस रबिश। इग्नोर देम, नेक्स्ट मैच जीतो। नेक्स्ट मैच कब है? संडे। बास्केट संडे का दिन, क्लीनिंग डे, पूरा ऑर्फनेज साइनिंग मांगता है। हफ्ते में ना सिर्फ 6 दिन रहना चाहिए, मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, नो संडे। मेरे को तो लगता है ना हिटलर ने संडे बनाया अपन लोग से काम करवाने के लिए। मैं आया। अरे यार कोई बात नहीं, मेरे पास आइडिया है। ले ले तू लगा ले। मैं ये ले लेता हूँ, इससे मेरा काम हो जाएगा। मैं इसे बेल्ट की तरह लगा लूंगा। तूने पानी पिया? एक ही ग्लास पिया, ज्यादा पीऊंगा तो सुसू आ जाएगी। पर देख अब मुझे हिचकी नहीं आई। मैं कह रहा हूँ ना हिचकी नहीं आएगी। देख एक लंबी सी सांस ले, अंदर रख, छोड़ मत, अब धीरे से छोड़। देख अब नहीं आएगी हिचकी। आज तो कोई मुझे चूज नहीं करेगा, मैं बीमार लगूंगा ना, और बीमार को कौन अपना बच्चा बना के अपने घर ले जाएगा। तू बीमार नहीं लग रहा है डब्बू, सबसे स्मार्ट तो तू ही लग रहा है। मेरे लिए जगह छोड़िए ना। हाँ छोड़िए, कोई आया नहीं ना? नहीं कोई नहीं आया। कोई नहीं आया अभी तक, अभी टाइम है। चल पीछे हट। सबसे आगे अपुन होगा, सबसे पहले मम्मी डैडी लोग मेरे को देखेगा। पता है ना मेरा मम्मी डैडी लोग बड़ा गाड़ी में आएगा। मारुति में? अंडा सिटी में। मेरे मम्मी पापा की गाड़ी भले ही छोटी हो पर घर बहुत बड़ा होगा। अपुन का तो बंगला होगा। कैसा? जैसा एड वाले टीवी में दिखाते वैसा। मैं आया। मेरे मम्मी डैडी मुझे कंप्यूटर देंगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मम्मी डैडी चाहिए। अरे वो रहे बच्चे। हाँ वहाँ चलो। अपुन बच्चा नहीं है क्या? हर संडे का यही चिलफड़ा रहता है। सबको छोटा छोटा पप्पी घर लेके जाने का है, अपुन पप्पी नहीं रहा ना। छोड़ना राघव दादा, सब ऐसे वैसे गाड़ी में क्या ऑटो रिक्शा में आए थे। फालतू का कौन जाएगा ये लोग के साथ? छोड़ यार चल खेलते, फालतू का कौन टेंशन लेगा। चल जल्दी चल, खिलौने की पेटी खुलने को, माल लुटने को, और अगर हम पास नहीं पहुँचे हमको ठेंगा मिलेगा। चल जल्दी चल चल, चल। ए, 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 ए,
चैन कली की मैन कली ये अभी ये अपुन का है, राघव दादा का। राघव बैट मुझे वापस दे दे। काइक मुझे मिला था, मैंने ये निकाला। मेरे लिए, राघव दादा के लेना। आधा पादा कौन पा? ए आधा पादा, सच में तेरा पाद निकाल दूंगा, समझा? चल बैट ला। क्या कर लेगा? ये तेरी तो ये, ये, ये। ओए पादू पहलवान, बहुत हो गया। ए सुनो, चलो सबके सब, अब ये पेटियां बंद हो जाएंगी, हाथ मुंह धोकर खाना खाने जाओ। ए भोलू, हिटलर नहीं है तो तू शाना बनने लगा? अच्छा, बाबूजी को बुलाऊं क्या? बताऊ उन्हें कि तू उन्हें किस नाम से बुलाता है? सारी गैस गुब्बारे से निकल जाएगी। अरे नहीं भोलू दादा, अपुन तो मजाक कर रहे था। ये ले बेटा तेरा बैट, चलो चलो खाने के लिए चलो। करण, तू अपुन का बेस्ट फ्रेंड है, अभी अपुन तेरे को नहीं छोड़ेगा। अबे जाना। किसमें ताकत सबसे ज्यादा? KD 83 वर्ल्ड कप। अरे तो कपिल पाज ये वाला बैट है, वर्ल्ड कप वाला। अरे टप्पू टप्पू, ये देख भोलू दादा कहते हैं ना, अगर कपिल पाज ही नहीं होते तो इंडिया 83 वाला वर्ल्ड कप नहीं जीतती। अरे देख ना। सुन चुका हूँ करण, एक ही तो बोरिंग कहानी है भोलू दादा के पास। पागल बोरिंग? अरे ये तो बोरिंग कहानी वाला बैट है जिसे कपिल पाजी ने चौके चक्के उड़ाए थे। ये मेरा बैट है, मेरा मैजिक बैट, मैं ये बैट किसी को नहीं दूंगा। ये मेरा लकी बैट है, मेरा स्पेशल बैट। करण संभाल के करण। रात को आवाज करता है, बैंड बजा देगा। चल बादला, बहुत तेज है पादुला, हिटलर आ रहा है। चल बादला, चल ला। ए राघव नहीं, राघव नहीं, राघव नहीं, राघव। करण चल, करण हिटलर आ रहा है। चल करण, चल जल्दी चल। बास्केट, ब्लडी बास्केट, कौन आवाज कर रहा था? तुम्हारा वॉइस निकाल कर मैं वेल में बंद कर डालेगा, तुम्हारा गला काट कर मैं ट्री में लटका डालेगा। लड़ी अभी सब स्लीप करता है, ओके? कल तुम सब का खाना बंद, नो फूड। और भूलने का नहीं, ये तुम्हारा आंटी का घर नहीं है, जॉन कक्कड़ का ऑर्फनेज है। बास्केट। क्या कर रहा है? सोया नहीं? जाने दे करण, वो तो खराब भी हो गया होगा। नहीं डब्बू, वो कपिल पाजी का बैट है, वर्ल्ड कप जीता था उसे, वो मेरा स्पेशल बैट है। मैं जा रहा हूँ। तू क्या कर रहा है? बास्केट, रात को भी चैन नहीं, जब देखो मस्किन है। चैन
गली की बहन गली ये नमस्कार, मैं हूं शिखा चौधरी और क्रिकेट तमाशा में आप सभी का स्वागत है। लेकिन लगता है कि अब तमाशा खत्म होने को है, क्योंकि दूसरे ही वनडे इंटरनेशनल में पाकिस्तान ने भारतीय टीम की हालत बद से बदतर कर दी है। पहले मैच में 175 ऑल आउट और दूसरे मैच में 130 ऑल आउट। कैप्टन वरुण रॉय वैसे तो आज के मैच में 62 पे नॉट आउट रहे, लेकिन अकेला खिलाड़ी मैच नहीं जीता था। बेशक कोच रंजीत लाल के एक्सपेरिमेंट्स ने श्रीलंका की टीम को दो ही साल में वनडे इंटरनेशनल में वर्ल्ड रैंकिंग 2 पर ला खड़ा किया हो, लेकिन लगता है भारतीय टीम को उनके एक्सपेरिमेंट्स कुछ रास नहीं आ रहे। और अगर हालात ऐसे ही रहे तो सिर्फ यही कहा जाएगा कि लाला के लाल लल्लू बनकर रह गए। मैंने स्कूल के बच्चे कोच किए हैं, तुम्हारा कैप्टन उनमें से एक है, और उन्हें कोच करने में एक सेटिस्फैक्शन मिलता था, क्योंकि जब वो बच्चे खेलते हैं तो उनकी कोशिश दिखाई देती है। दे प्ले विद देयर हार्ट्स। जब मुझे ये जॉब मिला था तो मैं बहुत खुश हुआ था। आफ्टर ऑल मैं अपने देश की टीम को कोच करने वाला था। श्रीलंका में मेरे 2 साल बहुत सक्सेसफुल रहे। दे मेड मी प्राउड। शट दैट फोन। लेकिन अब मैं उस टीम को कोच करने वाला था जिसमें वर्ल्ड की बेस्ट टीम होने की काबिलियत है, पर अफसोस लगन बिल्कुल ही नहीं। वी हैव द बेस्ट विद अस। लेकिन आपकी ये परफॉर्मेंस देखकर मुझे ऐसा लगता है कि गली क्रिकेट खेलने वाले बच्चे तुमसे बेटर हैं। कम से कम वो हर शॉट में अपनी जान तो लगा देते हैं। अरे सुन, करण को बुलवाते ना। क्या है रघु दादा? ये ढक्कन, उसके पास बैट है। तू एक काम कर, उसको ऐसी फास्ट बॉल डाल कि पहली बॉल पे ही आउट हो जाए, फिर बैट अपना हो जाएगा ना। चल मैं बुलाता हूँ। ए करण, हाँ खेलेगा क्या? मैं? अरे हाँ तू, चल आ जा। लेकिन मैं करूंगा क्या? बैटिंग कर। बैटिंग? अच्छा ठीक है, चले चल चल। पीछे से फास्ट बॉल डाल। बाप रे बाप, तो फास्ट बॉल डाल रहा है यार। कपिल पाजी की मदद करना। चैन कुली की मैन कुली। क्या छोटू दिखता है, लेकिन शॉट क्या मारा? ए चल अभी फूल मत, अगर बॉल नहीं मिला ना तो पैसा तेरे से ही लूंगा, समझा? चल निकल। किसने मारा ये शॉट? हेलो, कोई बताएगा किसने मारा था ये शॉट? अंकल ये इसने मारा शॉट। नहीं अंकल, मैंने नहीं मारा। ए झूठ क्या बोलता है अंकल, इसी ने मारा शॉट। इसको बोला था लंबा शॉट मत मार, काचवा टूट जाएगा तो। अंकल मैंने, मैं तो बस। क्या है तुम्हारा? करण इधर ही रहता है अंकल, मैं कंप्लेन करेगा इसका। तुमने ये शॉट मारा इतनी जोर से, बिल्डिंग के ऊपर से, टेरिफिक। सॉरी अंकल। अरे सॉरी किस लिए, चलो फिर से मार के दिखाओ। नहीं अंकल, मैं वापस नहीं मारूंगा, कभी ही मारूंगा अंकल, सॉरी। कम ऑन, मैं देखना चाहता हूँ। आई लाइक योर शॉट, कम ऑन, रेडी? चलो चलो चलो।
अरे जरा बॉल लाओगे प्लीज? मैं? हाँ तुम। कहाँ रहते हो तुम करण? वो मैं जॉन का। हम सब ऑर्फनेज में रहते हैं अंकल। अरे ये अनाथालय है ना उधर। सूरज का माफिक था ये बच्चा लोग, ऑल ऑफ देम। ब्लडी सनफ्लावर मेरे ऑर्फनेज का नहीं, मेरे ऑर्चर्ड का, और मैं माली। माली कम मम्मी कम डैडी है ना। वन डे करण मेरे को बोला मुझे बैटिंग करने का, मैं बोला मैं तेरा बैटे घुमा दे। ब्लडी छोटा छोटा बच्चा देकर जाता है लोग मेरे को गोद में, और मैं इनको बड़ा बनाता है। इतना बड़ा कि अभी सिक्सर मारता है, छक्का मारता है। गॉड का चिल्ड्रन है, मैं तो सिर्फ संभालता है। हाउ कैन आई अपनी नजर से दूर कैसा जाने को दे सकता है? रूल्स आर रूल्स यू सी, ऑर्फनेज के बाहर नहीं जा सकता है। एक्चुअली तुम समझ नहीं रहे हो। कितना अंडरस्टैंडिंग है आप। मैं इस बच्चे का क्रिकेट देखकर वाकई इंप्रेस्ड हूं, एंड आई वांट टू ट्राई एन एक्सपेरिमेंट। यस, मेरे को सब समझ में आता है। आप इसको लेके जाओ, मेरे लिए वो काफी है। आई मीन ऑर्फनेज के लिए काफी है। करण आओ। गो गो गो। ये लो रख लो। चलो करण। ब्लडी बास्केट। नो 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 नो, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था टीम से। गुड इवनिंग जेंटलमैन। हाय वरुण। गुड इवनिंग। कम। गुड इवनिंग। अरे सोहेल व्हाट्स अप? नो आइडिया वरुण, कोच ने फोन किया, बोला 20 मिनट में पहुंचो, किसी को बॉल करनी है। आई थॉट रंजीत ने तुम्हें बताया होगा वरुण। नो, कुछ नहीं बताया। थैंक यू गाइस, आप लोगों को अचानक इस तरह रात में बुलाया मैंने। इस सीरीज में दो मैच हम हार चुके हैं, अगला हारते हैं तो बात खत्म। यही वक्त है हमारे लिए, और मेरे पास एक प्लान है। हम नेक्स्ट मैच जीत सकते हैं, और शायद सीरीज भी। बोलो क्या प्लान है? एक नया खिलाड़ी, करण। कौन? किस टीम से है? किस स्टेट के लिए खेलता है? Well, बिल्कुल रॉ है, मुंबई के एक मैदान से ढूंढा है इसे। रंजीत मजाक कर रहे हो हमसे? आई नो गोरे, आई नो, मैं इस वक्त मजाक अफोर्ड नहीं कर सकता। सर कहाँ है करण? लेट्स मीट हिम। करण आओ, करण आओ, इनसे मिलो। इंडियन टीम के सिलेक्टर्स, वरुण इंडियन टीम के कैप्टन। अरे आप वरुण हो ना, एक ऑटोग्राफ मिलेगा। बाद में ले लूंगा। सोहेल जाओ करण के साथ वार्म अप करो। ओके कम ऑन। इस बच्चे को आप पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स के सामने खिलाओगे? आई डोंट नो वॉट टू से रंजीत। वरुण ये क्या प्लान है? सर आई आर यू श्योर? वरुण एक बार तुम उस बच्चे को खेलते हुए देख लो, मैं पागल नहीं हूं जो यूं ही किसी को उठा लाऊंगा। तुम्हें मैंने ही सिलेक्ट किया था। वॉज आई रॉन्ग? Okay, sir. Let's see him play. Kapil Pati Zindabad. Chain Kuli ki Main Kuli. Oh.
That's interesting. भाई सुहेल को आज तक इतना ऊंचा किसी ने नहीं उठाया. सॉलिड शॉट था. क्या नाम है इसका? करण. उम्र क्या होगी इसकी? इंडिया में टैलेंट की उम्र कम होती जा रही है. अरे जवाहर साहब, टीम में सिलेक्शन की कोई मिनिमम एज तो नहीं है? कतई नहीं, बिल्कुल नहीं यार, डोंट वरी. ये सब तो आप लोगों के हाथ में है. अब तक यंगेस्ट प्लेयर पाकिस्तान का हसन रजा था, 14 साल का, प्लेड अगेंस्ट जिम्बाब्वे. अब आप चाहेंगे तो करण, जो 13 साल का है, यंगेस्ट प्लेयर बन जाएगा. वरुण, क्या कहते हो? मैं कुछ और शॉट्स देखना चाहता हूँ. मेरी तरह मस्त मौसम यानी कि नादिरा की तरह खिलते हुए दिन में आप सबका स्वागत है. वेलकम टू द थर्ड वन डे बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. और आज के लिए मैंने अपनी लकी साड़ी भी पहन रखी है. सो लेट्स गेट रेडी फॉर सम एक्साइटमेंट. मारू गया इंडिया तो गया, आज लगता है एक बार फिर पिच पर टीम इंडिया के कपड़े उतरने वाले. आई न्यू इट. यू डोंट नो इट. टीम इंडिया में एक चेंज है, एक नया बैट्समैन आया है, सम करण. करण? इंडिया तो गया. Karan Shetty, of course, the player from Bombay, Hulk Hogan of a Karan, I tell you, tall, muscular, fit. Main ise Varun ki party mein mili thi. Oh my God, does he handle the bat well? Finally, some excitement for me. To chaliye, inki excitement ke liye hum bhi jhelte hain. जानता हूँ पिछले मैच में तूने क्या किया था. पता है. ओए काके, तू कितों आ गया? ओए पुत्र, ड्रेसिंग रूम में आना अलाउड नहीं है. अरे नहीं, मैं करण हूँ. ओ तो की फर्क पड़ता है यार, है? वैसे ग्लैड टू मीट यू. ऑटोग्राफ चाहिए ना? आ मैं देता हूँ. वो हमारे साथ है, ही इज इन द टीम. हाय वरुण भैया. गाइस मीट करण, ही इज द कोचेस न्यू फाइंड. कांग्रेट. क्या बात है. ऑल द बेस्ट यू मैरिट यार. थैंक यू. ओके, टीम मीटिंग इन 5 मिनट्स. या करण, गेट चेंज्ड. हाय. तैयार हो करण? हाँ. तुम्हारी शूलेसेस रेडी? मुझे पानी नहीं आती. तू मेरा लकी स्टार है. वैसा ही खेलोगे ना, जैसा खेलते हो? हाँ, फिकर नॉट. मेरे हाथ में मेरा मैजिक बैट है ना. ओके गाइस, वी वांट द टॉस. हाँ, हम बैटिंग करेंगे. आ जाओ. ओके बॉयज, इट्स क्रंच टाइम. बैटिंग ऑर्डर रिमेन्स द सेम, ओपनिंग पेयर में चेंज है. Karan will open with me. Okay. If we make 75 in the first 15, one down Maddie. Okay. Two down Sunny. Okay. Three down Shiru. Fine. हाँ, okay, okay, okay. Very good. अगर ये opening batting का जो experiment है fail करता है, then one down Shiru. Okay. Two down Sunny. Okay. Three down Maddie. Okay. अरे brilliant, very good. Karan, please. It's a batting track. 250 plus is very achievable. ठीक है? We can do it. हाँ, okay, okay. All right, boys. 1, 2, 3. India. The good news is कि इंडिया ने टॉस जीत ली है और अब वो बैटिंग करेंगे. The match is going to be opened by Varun and who's that? Oh, ये वही तुम्हारा हल्क होगन, 6 फुटिया, मस्कुलर करण शेट्टी. ये करण होगा नहीं है, ये तो कोई बच्चा है. बस अब यही बचा है. Oh my God, have they gone mad? हम ये मैच कैसे जीतेंगे? अगर पाकिस्तान के साइड हो जाए ना, तो जरूर जीत जाएंगे. I knew it. इतने सारे लोग, टीवी पर तो कितना छोटा लगता है. हाँ यार, हाँ यार. असलम पिछली बार खूब बोला था उस सॉन्ग को. अरे,
भाईजान, ये तो मोहल्लों की क्रिकेट पा गए। चाने दे असलम, बच्चे हैं यार। ओके बॉयज, गेट योर पोजीशंस। कम ऑन बॉयज, लेट्स डू इट। कम ऑन, कम ऑन एवरीबॉडी। वसीम, वर्मिया वर्मिया, मैं बैटिंग करूं प्लीज? थैंक यू। Are you sure? अरे फर्स्ट क्लास, आप टेंशन मत लो। इमरान बैक बैक। कैसी बॉल डालूं बच्चे को? देख ले, स्लो मत डालना, क्या पता क्या चीज हो। कम ऑन। अरे अनवर भाई सलाम, नाच के बाद ऑटोग्राफ लेने आता हूँ। हाँ कम ऑन कम ऑन रफीक। वेल बॉल, वेल बॉल। ये बच्चा क्या खेलेगा? यू टेल मी, कौन कौन लेकर आता है यहाँ पर? ये है कौन, कहाँ से आया है? मारू, इंडियन क्रिकेटिंग हिस्ट्री में आज एक बहुत ही हिस्टोरिकल मोमेंट है। हाँ, एक वो दिन था जब हिंदुस्तान ने दुनिया को शून्य दिया था, और एक आज का दिन है फिर से जीरो। बोला था ना, खेलने को नहीं आता है। करण, पे अटेंशन। सॉरी वरुण भैया। फोकस करण, जस्ट फोकस। चैन कुली की मैन कुली। मैंने जब इसे पहली बार देखा था तब मुझे पता था दिस इज द फ्यूचर ऑफ क्रिकेट। ओह ही सो क्यूट, आई लव दिस बॉय। मेरा कुची मुची कुची। हाँ, इनका कुची मुची कुची तो देखने में मक्खी और खेलने में हाथी। जस्ट टेक ऑन। ठीक से बोलिंग कर। ठीक से तो कर रहा हूं। तेरे आगे टिक पाए ना, जो भी तेरे सामने आएगा। वही तेरे आगे टिक पाए ना, जो भी तेरे सामने आएगा। तू कर दे तमाशा, सब देखें आज तमाशा। तू कर दे तमाशा, हर बॉल को दे तमाचा। दे चौका दे छक्का, आज हो जाए धूम धड़क्का। 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 दे चौका दे छक्का, धूम धड़क्का। India is going to win this match क्योंकि 356 पर no loss का score achieve करना पाकिस्तान के लिए भी बिल्कुल impossible है। गया, पाकिस्तान तो गया। पाकिस्तान की ओर से opening कर रहे हैं captain रफीक मोहम्मद और सलीम शेख। They have a target of 356 runs। और आप देख रहे हैं कि Indian captain वरुण fielders को place कर रहे हैं और उनके साथ हैं the young new batting sensation करण। अपने करियर की मेडन इनिंग्स में 170 नॉट आउट रेकर्ड करण ने इस मैच को ऑलरेडी हिस्टोरिकल बना दिया है। व्हाट अ स्पिरिटेड इनिंग्स ही प्लेड। चलिए अब बॉलिंग की शुरुआत करेंगे। सोहेल लुकिंग ऑल सेट फॉर द किल। कम ऑन गाइस, कम ऑन। Fine shot by Rafiq. कमाल की फील्डिंग वरुण की। बॉल सीधा विकेट कीपर के हाथ में। आउट एंड अर्ली लॉस फॉर पाकिस्तान।
साथ इन्होंने अपने 100 रन पूरे किए। और ये क्या करण उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। दिस इज अ लवली सेंटीमेंट टू बी सीन ऑन द फील्ड। लेकिन पाकिस्तान के लिए अब भी ये मैच जीतना आसान नहीं। सोहेल रेडी टू बोल गए। यहाँ पर मेरी सारी और मेरे करण ने अपना जादू दिखा दिया है और हम कह सकते हैं दिस मैच वॉज करंटास्टिक। आई न्यू इट। ये आपका पहला इंटरनेशनल मैच है ना, आपकी इंस्पिरेशन कौन है? अरे ये सब तो मेरे मैजिक बैट का कमाल है। मैजिक बैट? हाँ वो क्या है, करंट टीम मीटिंग है अब 10 मिनट में, सॉरी टीम मीटिंग के लिए, प्लीज बाद में। थैंक यू। ये मैजिक बैट क्या है करण? अरे वरुण भैया मेरे बैट में मैजिक है। हेलो जादू। बहुत अच्छी बात है, अगर तुम्हें ये बिलीफ है तो इट्स वेरी गुड, लेकिन किसी को बताना मत ओके। थैंक यू। क्या हो गया सबको, कोई मैजिक में बिलीव ही नहीं करता। कम ऑन। क्या रूम है? आज से तुम यहां रहोगे करण, जहां इंडियन टीम वहीं तुम रहोगे ना। Come on. इतना बड़ा कमरा, पप्पू होता तो बोलता चल क्रिकेट खेलते हैं। Well, तुम चाहो तो यहाँ फुटबॉल खेल सकते हो। और हिटलर? उसकी परवाह मत करो, उसे मैं हैंडल कर चुका हूँ, वो कुछ नहीं कहेगा। हिटलर कुछ नहीं कहेगा? इतना बड़ा कमरा साफ करने में तो बापरे बाप हालत खराब हो जाती होगी ना। डोंट वरी करण, तुमको साफ नहीं करना होगा। बाबू जस्ट लेट्स हैव डिनर, टुमारो वी विल गो शॉपिंग, ऑलराइट बाय सी यू। ओह सॉरी कोच, मैं सोचा कि नहीं वरुण, यही तुम्हारा कमरा है। हाय बट करण तुम्हारे साथ रहेगा। कोच जस्ट वन एक मिनट। कोच बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम है वरुण? डोंट मेक मी बेबीसिट सर। तुम्हारे पहले हर्षशील्ड मैच में तुम मेरे कमरे में रहे थे, याद है? ये 13 का है, तुम 14 के थे। मेरे लिए तुम भी बच्चे ही थे। यस कोच। और वैसे भी करण तो तुम्हारा फैन है। अरे पता है करण, एक बार वरुण भी मेरे साथ होटल में रहा था और पता है उसने क्या किया? कोच ठीक है, अब आप जाइए ना, मैं ऑन सेकंड थॉट्स, व्हाई डोंट यू टेक अनदर रूम? नहीं करण छोटा है, he needs someone. Sure? Absolutely. हाँ अब जाइए ना। Okay, see you tomorrow. Okay. Bye. अच्छा हो आप मेरे कमरे में आ गए, अब सबसे पहले आप मुझे अपना ऑटोग्राफ दो। हैला बेडरूम है, बाथरूम, दरवाजा कहाँ है? नहीं है। तुम्हें जाना है? अरे नहीं मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। तो मैं कपड़े बदल सकता? अरे बदलो ना, टेंशन क्या है। मैं जा रहा हूँ। अरे हाँ यहाँ पे पानी की टाइमिंग क्या है? टाइमिंग? हाँ ऑर्फेनेज में तो सिर्फ 2 ही घंटे पानी आता था। यहाँ पे पानी 24 घंटे आता है। थैंक्स कोच।
हम लोग बाहर जा रहे हैं। मैं बाहर जा रहा हूँ। मैं भी चलूं? नहीं, तुम नहीं चल सकते। क्यों, वहां बच्चे नहीं आ सकते क्या? अरे बोलो ना। हाँ बाबू, I'm just coming। बाबू कौन है? हमारी टीम है। मेरी फ्रेंड है। बाय। फ्रेंड? ठीक है, बाय। तुम रूम में अकेले क्या करोगे? भूख लगी है? ओ अच्छा अच्छा, बैट खाओगे। मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताने वाला हूं, ओके? जैसे तुम्हारा ये मैजिक बैट है ना, ये मैजिक फोन है। आई एम सीरियस। देखो, इस पे एक दो दबाओ और जो भी खाने के लिए चाहिए ना, इस पे मांगो। रूम सर्विस, गुड इवनिंग मिस्टर रॉय। हेलो। यस सर। रूम सर्विस देवता, हमें क्या खाओगे? आइसक्रीम। हमें आइसक्रीम चाहिए। व्हाट फ्लेवर वुड यू लाइक सर? स्ट्रॉबेरी? नहीं, चॉकलेट चॉकलेट चॉकलेट। राइट सर, विल दैट बी ऑल? थैंक यू रूम सर्विस देवता। थैंक यू मिस्टर रॉय। काउंट टू 10। 1, 2, 3। कम ऑन। 4। आइसक्रीम। 5। आइसक्रीम। 6, 7, ice cream, 8, ice cream, ice cream, 10, ice cream. Hey, love. Thank you, sir. Itna jaldi? How's that? Enjoy. एक तंदूरी चिकन प्लीज। 7, 8 तंदूरी चिकन, तंदूरी चिकन। एक पिज्जा प्लीज, सॉरी 2 पिज्जा प्लीज। एक बर्गर प्लीज। योर बर्गर सर, नूडल सर। ये सब क्या है करण? हाँ, व्हाट अ मेस। सॉरी वरुण भैया, मैं सब साफ कर दूंगा। अच्छा, तो तुम ये सब साफ करोगे? हाँ वरुण भैया, इस माले पे सारे कमरे साफ कर दूंगा, और फिर मैं भी तो मैं ही साफ करता था। तुम्हें पता है इस होटल के एक एक फ्लोर पे कितने कमरे होते हैं? कम से कम 50। बाप रे। एग्जैक्टली, सो जाओ। पता है वरुण भैया, मैंने आइसक्रीम के बाद क्या क्या खाया? चिकन बर्गर खाया, चिकन बिरयानी खाया, फिर पिज्जा खाया, हाका नूडल खाया, फिर 2 तरीके की आइसक्रीम खाई, एक तो स्ट्रॉबेरी, एक चॉकलेट, फिर मैंने जो भी खाया हो, रात को उसकी खुशबू मुझे सूंघनी ना पड़े, ओके? करण, यू डे नॉट फार्ट, ऑलराइट? ऑलराइट। Sorry, Karan. Excuse me. No. सिटी के बाहर कैसा जाने को दे सकता है? मेरी जान का टुकड़ा है करण। अपुन का नहीं है तो क्या हो गया? अपुन का मान कर पाला है उसको। मैं उसका मम्मी, उसका डैडी, उसका। हाँ हाँ, सुन लिया। पैसे दे रहा हूँ ना तुम्हें। इतना से क्या होगा सर? अपने लिए नहीं मांग रहे, ऑर्फनेज के लिए मांग रहे। हाँ, मिस्टर कक्कड़, बस दैट्स इट। आप मुझे मजबूर मत कीजिए। इस बच्चे में एक टैलेंट है जिसे आज सारा देश अप्रिशिएट कर रहा है, और आप यहाँ। इट्स ओके, मैं कुछ बोला क्या? लेके जाओ आप करण को। इट्स ओके, इट्स ओके। लगता है ऑर्फनेज में सभी को क्रिकेट सिखाना पड़ेगा, नहीं तो
इधर ना किधर से और मैजिक बैट मंगाना पड़ेगा। पास किट सब मैजिक बैट का कमाल है। मैजिक बैट काय का मैजिक बैट? मैं दिखाएगा करण और उसका मैजिक बैट को। हेलो, हाँ मैं करण बोल रहा हूँ, आप कौन? हाँ वरुण भाई है ना? हाँ है, हम दोनों साथ में रहते हैं हमेशा। आप कौन? हाँ आप वरुण भैया के पापा हो? एक सेकेंड ना, एक सेकेंड। ए वरुण भैया आपके पापा का फोन है, उठो उठो ना। मुझे कहो मैं रूम में नहीं हूँ, बाद में फोन करें। अरे लेकिन आप तो रूम में हो। अरे उठो ना, आपके पापा का फोन है। तुमसे जितना कहा जाए उतना ही करो। हेलो, हाँ वरुण भैया कह रहे कि वो रूम में नहीं है, बाद में फोन करो। क्या हो गया आपको, पागल हो आप? आपके पापा ने फोन किया था ना, बात नहीं कर सकते थे आप उनसे? आपको पता नहीं आप कितने लकी हो, आपके पापा है वो आपको फोन भी करते। इसमें लकी होने की क्या बात है, सबके पापा होते। बैट किट बैग में क्यों नहीं रखते? नहीं, तुम्हारी प्लेसेस खुली हैं। बांधने नहीं आते। I'll show you. It's quite simple. देखो, you make a simple knot, एक अंडा, फिर दूसरा अंडा, put them together, pass one through. अरे अच्छा अच्छा, ये तो बहुत सिंपल है। देखो हाँ मैं करता हूँ अभी। ये एक सिंपल नॉट, ये एक अंडा, दूसरा अंडा, put them together, दोनों को जोड़ो, pass it through. अरे ये तो हो गया। अरे तो बहुत सिंपल है। क्या यार ये इतना इजी था, मैं कब से कोशिश कर रहा था। Come on guys, we should move now. हाँ किया है, समझ में। हाँ यार। Morning Varun. Hi Karthik, how are you doing? I'm good. How are you? Hi. Hi. Remember that bike ad we had talked about? Yes. Match के बाद बात करें? हाँ that's okay. Just that client जाना चाहता था कि। Hello Karan, आपका ऑटोग्राफ मिलेगा? मेरा? हाँ भाई तुम्हारा, तुम तो टीम इंडिया के नए बैटिंग सेंसेशन हो, पूरे देश के फेवरेट। मगर आप कौन है? अरे भूल गए, अभी अभी तो हमारी बात हुई थी थोड़ी देर पहले। अच्छा आप वर्मिया के पापा हो, आज सुबह आपने फोन किया था ना? एक सेकंड ना, वर्मिया, वर्मिया आपके पापा है, जल्दी आओ जल्दी आओ। देखो आएंगे वरुण भैया, पता है मैंने आज सुबह से फोन पे बात भी की थी, मैं इनको पहचान ही नहीं पाया। बस वेट करिए, टीम के साथ आप जाओ, मैं आ रहा हूँ। कैरी ऑन। तो आप शहर में हैं? एक्चुअली मैं यहाँ पर एक मीटिंग के लिए आया था इसी होटल में, तो मालूम हुआ कि तुम पाकिस्तान के चौथे वनडे की पहली गेंद फेस करने को तैयार करण। वसीम अपना लंबा रनअप लेकर दिल्ली गेट एंड से बढ़ते हुए। ओ सुन चरखे दी मिठी मिठी, ओए तेरे, ओए करण ने छक्का मारा, ओए करण चक दे फटे। क्या बोले क्या तोड़े, तू ना किसी को भी छोड़े, ना ना पे ना तोले, सब हिले 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 डोले। तूने धक्का यूं झटका, क्या जादू चलाया, होमवर्क तेरी हरकत है आफत, तक दिन तक दिन तक दिन दिन तक। तू कर दे धमाका, अब सबसे ले ले तू पंगा, तू कर दे धमाका, चल आज मचा दे दंगा, दे चौका दे छक्का, आज हो जाए हो जाए। Yeah.
मैं इस वक्त मुंबई के जॉन कक्कड़ ऑर्फनेज के बाहर खड़ा हूं और आपको ये जानकर ताज्जुब होगा जब मैं ये कहूंगा कि हमारे महान बल्लेबाज करण की जिंदगी की शुरुआत इसी अनाथालय से हुई थी। मैं करण को पाला, उसको क्रिकेट सिखाया, उसका डैडी कम मम्मी कम कोच मैं, यहां का प्रिंसिपल भी मैं। वो ब्लडी करण का बैट से भी छोटा था करण, जब उसको कोई मेरा गोद में छोड़कर गया मैं उसको बड़ा किया, उसको इस लायक बनाया, आज वो चौका छक्का मारता है। थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना, करण मात्र 3 महीने के थे जब यहाँ कोई उन्हें छोड़ गया था। कौन थे वो लोग, क्या थी उनकी मजबूरी, क्यों नहीं अपना सके वो माता पिता उस महान बच्चे को, इस महान बैट्समैन को? हो सकता है वो माता पिता इस वक्त हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हो और इस प्रोग्राम से वो जाग जाए, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए। मैं अशोक शर्मा, दैट स्पोर्ट्स के लिए। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? वरुण तुम्हें शॉपिंग ले जा रहा है, वेट कर रहा है तुम्हारे लिए। कपूर पाजी। ओए पाजी दा लगदा तेरा प्यो। हाउ यू करण? गुड, कैसे हो कपिल? इज ही प्लेइंग वेल? वेल डन, कीप अप। एक ऑटोग्राफ मिलेगा प्लीज मेरे, सॉरी आपके बैट पे, आपका 83 वर्ल्ड कप का बैट है। ओए तू कहाँ से लाया? अरे मुझे मिल गया। बहुत बदमाश है, पेन के बिना साइन नहीं होते। अरे सॉरी सॉरी, पेन कहाँ है? पेन ये रहा। ओके गुड लक। गुड मॉर्निंग सर। पता है वरुण भैया आज मुझे कौन मिला? कब हिला लेडी ड्राइवर। हाँ क्या करूं करण, ऐसे ही, लेकिन अब गाड़ी बुरी नहीं चलाती। चलो सर। हाँ ड्राइवर। वरुण भैया आप पीछे क्यों नहीं बैठे हो? पीछे ऐसे ही क्यों? नहीं आप लड़की के बगल में बैठे हो तो आपकी बाबू ने देख लिया तो? ये बाबू कौन है सर? ओके फाइन, करण दिस इज मालिनी, मालिनी दिस इज करण, करण यही है वो बाबू, शी इज माय गर्लफ्रेंड। हाय। गर्लफ्रेंड? क्यों मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगी? नहीं नहीं मेरा मतलब है हाँ अच्छी हो, अच्छी हो। वरुण भैया आप इनसे शादी कर लो, बहुत ब्यूटीफुल है ना। ठीक है थैंक यू फॉर योर अप्रूवल। वरुण भैया प्लीज मैं 2-3 दिन ऑर्फिडेन में रहूं, अगले मैच से पहले आ जाऊंगा, मुझे अपने दोस्तों की बहुत याद आ रही है। ओके श्योर। थैंक यू वरुण भैया। अच्छा तुम अपने दोस्तों के लिए कुछ लेके क्यों नहीं जाते? हे हाउ अबाउट वी डू सम शॉपिंग फॉर देम आल्सो? अरे वेरी गुड, तो फिर डब्बू के लिए चश्मा, पक्का के लिए पैंट, फिर वो मुन्ना के लिए टी शर्ट, वो लोला के लिए नया लोटा खरीदेंगे, फिर वो बबलू के लिए एक नया टी शर्ट भी खरीदेंगे। इसमें क्या है? मैं सबके लिए गिफ्ट लाया हूँ। अरे ये तो अपने छोटे कपिल पाजी आए हैं। बुलू दादा बताओ मैं किससे मिला था? किससे? कपिल पाजी से। क्या बोलता है? हाँ उन्होंने मेरे बैट पे साइन भी किया। ये हुई ना बात। कपड़े नए? हाँ तेरे को पता है मैं किधर रह रहा था? किधर? 5-स्टार होटल में। सच्ची? हाँ तेरे को पता है मैं जिधर भी जाता ना प्लेन में जाता हूँ। क्या बोल रहा है यार? हाँ तेरे को पता है मैं जिधर भी जाता लोग आगे पीछे घूमते कहते करण ऑटोग्राफ, करण ऑटोग्राफ। तेरे को साइन करना आता है क्या? और नहीं तो क्या, तेरे को पता है अब मैं एक एडवर्टाइजिंग भी करने वाला हूँ। ये शानी ये सब किसको दिखाता है? नहीं चाहिए हम लोग को तेरा ये खिलौना विलोना। किसने बोला मुझे चाहिए नए कपड़े खिलौने? मेरा दोस्त लाया मेरे लिए। मैं तेरे लिए भी लाया हूँ राघव। काइकू अपने को तू मेरे से बड़ा शाना समझता है? आधा पादा कौन पादा, किसमें ताकत सबसे ज्यादा? चुप। बास्केट पादरे तेरा रूम कौन साफ करेगा? तुम्हारा आंटी? गो 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 क्लीन मारू।
करण करण माय बॉय कम टू अंकल जॉन कक्कर। तुमने अंकल जॉन कक्कर का नाम रोशन किया। छक्का मारा, चौका मारा। I have a surprise for you. You cooked? I'm serious. माँ आई है ना? माँ, I was just thinking मैं पुणे आके तुमसे मिलूँ. Wow, you're in a good mood. क्यों नहीं? Hi. हम जीत रहे हैं. And it's all because of a boy called Karan. Uh-huh. वो लड़का सिर्फ 13 साल का है मॉम, लेकिन क्या खेलता है? Amazing. He opens the batting with me. Mm-hmm. तुमने टीवी पर देखा होगा उसे? Of course. और वो बातें करता रहता है। He's full of life. होटल में भी share the same room, ठीक है? उस रूम की हालत मॉम। वरुण भैया, मैंने कुछ नहीं किया। वो मुझे वरुण भैया कहता है। वरुण भैया ये, वरुण भैया वो। He's just a happy kid. कभी ऐसा नहीं लगता कि वो अनाथ है। क्यों मालनी? In fact, हम शॉपिंग के लिए गए। वरुण, मैं तुम्हें बताने वाली थी, ये मेरे साथ आए हैं। तो दिस इज द सरप्राइज। थैंक यू मालिनी। अरे मैंने इसे मना किया था तुम्हें बताने के लिए। मैंने आपसे कहा था ना हमारे पास नहीं आना। व्हाई व्हाई यू हियर इन माय हाउस? वरुण, विल यू प्लीज लिसन टू मी? लिसन व्हाट मॉम? हमें इनकी जरूरत नहीं है। डोंट से दैट। आई विल से इट। वरुण, वी डोंट नीड दिस मैन। वरुण, मैं इन्हें माफ कर चुकी हूँ। सो अब वो साथ हैं। व्हाट? Your parents are back together. You know, Malini, मैं 16 साल का था। I was only 16 जब ये घर छोड़ के चले गए थे। मुझे अब भी याद है माँ कितनी रोती थी दिन रात महीनों के लिए। याद है मां? और स्कूल में यू नो हाउ फ्रेंड्स आर, बच्चे पूछते रहते थे कि यू नो तुम्हारे डैड कहां हैं? स्पोर्ट्स डे पे, ड्रामेटिक्स पे, पीटीए मीटिंग्स पे। तो मैं क्या जवाब देता कि डैड बोर होके चले गए। Dad's gone abroad to make millions. मैं कहता कि no, मेरे dad है नहीं। My dad's dead. अब 15 साल बाद my dad's back and they're back together. That's great. ये ले तेरे लिए नया चश्मा। नया चश्मा? और ये नई कार। नई कार? किसी ने मुझे ये पहले नहीं दिया। मैं इसे किसी को नहीं देने वाला। ठीक है, लेकिन ये चॉकलेट्स तो तू शेयर करना, नहीं तो तेरा पेट तो। नहीं, मेरा पेट तो ठीक है। करण दादा। क्या है? तुझे हिट्टा बुला रहे तेरे मम्मी पापा आए। सच्ची मम्मी डैडी? पहले हमको प्रूफ बताओ, प्रूफ बताओ। What do you mean, Mr. Kakkar? मैं जब कह रही हूँ कि मैं इसकी मम्मा हूँ तो हूँ। ए, जॉन कक्कर को चुना लगाता है। आंटी का उम्र में करण का मम्मी बनेगा। Hold your tongue, Mr. Kakkar। ये मेरे बुढ़ापे की औलाद है। बुढ़ापे का या फिर बदमाशी का? वो क्या है ना मिस्टर कक्कर, उस टाइम मेरे से गलती हुई थी, मेरा कैरेक्टर फिसल गया था, इसलिए मैं उस टाइम इसको अपना नहीं सकी थी। पर अब मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, पैसा है, सब कुछ है। मैं तेरी माँ हूँ बेटा, मैं तुझे मोटरसाइकिल दूंगी, गाड़ी दूंगी बेटा। मैं तुझे कंप्यूटर लाके दूंगा बेटा, हाँ, जो तू चाहेगा वो दूंगा। है बस, get out everybody, out, निकलो यहाँ से, सब के साथ निकलो, cheaters, basket fraud, run, करण तू जा रहे, इनमें से तेरा कोई मम्मी डैडी नहीं है, out, get out, सब fraud है यहाँ पे, सब fraud है, cheaters, out, out. ए मास्टर ब्लास्टर,
यही तेरा औकात है। तू भी अपुन जैसे ही छे लावारिस। ये लोग तेरा मम्मी डैडी नहीं है। तेरा मम्मी डैडी है इच नहीं। एड में आएगा हाँ, फाइव स्टार होटल में रहेगा, पैसा कमाएगा। हे, क्या कर रहे हो तुम? हाँ, इसे मार क्यों रहे हो? नहीं वरुण भैया, हम लोग तो यूं ही खेल रहे थे। मैंने सब कुछ देखा। तो तुम यहाँ के दादा हो? नहीं वरुण भैया, मैं तो करण को शाबाशी दे रहा था। अगर फिर मैंने तुम्हें ऑर्फनेज के किसी भी बच्चे पे दादागिरी करते हुए देखा या उसे मारते हुए देखा। वरुण, ए कैप्टन जल्दी आओ। कैप्टन, हाय कैप्टन। हाउ डू डू, मेरा नाम डब्बू है, मैं करण का बेस्ट फ्रेंड हूँ। व्हाट योर नेम? मेरा नाम वरुण है। वन ऑटोग्राफ प्लीज। मेरे पास पेन नहीं है। कैप्टन कैप्टन, ओके लाइन में आ जाओ। हाँ तो नहीं, मैं टी शर्ट पे साइन करता हूँ। अच्छा वरुण भैया, जब मैं ऑटोग्राफ मांगता था तब तो आप आग दिखाते थे या बाद में कर देते थे? कम है वरुण भैया, आप तो घर जाने वाले थे, आप इधर कैसे हैं? वो मैं सोच रहा था कि आफ्टर ऑल वी आर ओपनिंग पार्टनर्स, तो हम कहीं बाहर जाते हैं मस्ती करने के लिए। मस्ती करने के लिए। अच्छा करण, अगर कल को तुम्हें तुम्हारे मम्मी डैडी मिल जाए कैसा लगेगा? नाराज होऊंगा लेकिन बाद में माफ कर दूंगा। अच्छा, इतनी आसानी से माफ कर दोगे? और नहीं तो क्या, पागल हूं मैं, इतने सालों बाद मिले थोड़ा तो नाराज होऊंगा, बाद में माफ कर दूंगा। फिर तो मैं अपने लकी बार से भी ज्यादा लकी हो जाऊंगा, मुझे मेरे मम्मी डैडी जो मिल जाएंगे। पता है वरुण भैया, मम्मी पापा होना कितना लकी होता है। मम्मी पापा होते तो आपको अच्छे स्कूल भेजते हैं, अच्छे कपड़े दिलाते हैं, नए नए खिलौने दिलाते हैं, फिर छुट्टियों में बाहर लेकर जाते हैं। मम्मी पापा होना कितना लकी होता है ना। पता है वरुण भैया, डब्बू क्या कहता है? डब्बू कहता है कि जब हमें हमारे मम्मी पापा मिल जाएंगे ना, हम उन्हें रस्सी से बांधेंगे और कहीं नहीं जाने देंगे। मम्मी पापा मिल जाएंगे तो और कोई थोड़ी ना चाहिए, है ना वरुण भैया? जब आप छोटे थे तब आपको आपके पापा बाहर लेकर जाते थे ना? हाँ। क्रिकेट मैच भी देखने ले जाते थे ना? क्रिकेट खेलना उन्होंने सिखाया? हाँ। आपके साथ खेलते थे? पता वरुण भैया, जब मैं छोटा था ना, मैं हिटलर को अपना पापा मानता था, फिर बोलू दादा। फिर एक दिन राघव मुझसे बोला कि मेरे मम्मी पापा तो है नहीं, वो मुझे उधर ही छोड़ के चले गए। मम्मी पापा होना कितना लकी होता है ना। आप कितने लकी हो, आपके पास तो दोनों हैं, मम्मी पापा। चलो करण। आप किधर? और लो विल वो, अरे थोड़ा तो। हाँ ये, लेट मी फिनिश दिस फर्स्ट, थैंक यू। वरुण आओ, कम हैव डिनर। नहीं थैंक यू। तुम क्या कह रहे थे करण? मम्मी पापा अगर होते तो क्या होता? अभी नहीं वरुण भैया, बाद में। घबराओ मत करण, अभी अभी जो तुमने मुझे कहा, जस्ट रिपीट दैट। सब कुछ अच्छा होता। हाँ, कोई कुछ नहीं कह सकता आपको। और मम्मी पापा आपको स्कूल लेकर जाते हैं। और भी तो कहा था करण, किताबें खरीदते हैं, खिलौने लाते हैं, आपके साथ बाहर जाते हैं, स्कूल ले जाते हैं, और क्या करण? पता नहीं मम्मी आपको बहुत प्यार करती है और डैडी कभी कभी डांटते हैं लेकिन वो भी बहुत प्यार करते हैं। अगर दुनिया में मम्मी डैडी हो तो और कुछ थोड़ी ना चाहिए। दे कंप्लीट योर वर्ल्ड। और जब वो आपको बाहर ले जाते हैं तो वो
अपने हाथ में आपकी उंगली पकड़ लेते हैं, सो यू फील सिक्योर, यू फील प्रोटेक्टेड. All these years, how I wished. मामी ने साथ दिया, मामी ने बहुत साथ दिया, लेकिन यू हैव मेड मी रियलाइज करण दैट नो मैटर हाउ ओल्ड यू आर, यू ऑलवेज नीड योर डैड. हाय, दिस इज नादिरा, वेलकम बैक. आज आप भी मेरे साथ कह सकते हैं आई न्यू इट, क्योंकि इंडिया ना सिर्फ ये मैच बल्कि ये सीरीज जीतने वाला है. पाकिस्तान ऑल आउट. हाँ, और अब इंडिया को चाहिए सिर्फ 150 रन जीतने के लिए, जो मेरा प्यारा करण कूची मूची पू अकेले ही बना सकता है. वेरी गुड मूड टुडे. हाँ सर, बच्चे को देखो. अमेजिंग बॉय, इसने तो पूरे ड्रेसिंग रूम का माहौल बदल दिया है. हाँ सर, करण एंड हिज मैजिक बैट. आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस. डोंट टेल मी तुम बिलीव करते हो. क्यों नहीं सर, आई मीन मोस्ट प्लेयर्स का कोई ना कोई ऐसा बिलीव होता है. सॉन्टी को देखिए, हर मैच में वो वही सॉक्स पहनेगा. और सोहेल, गौर कीजिए, जब सोहेल को विकेट चाहिए ना तो वो कॉलर ऊपर करता है. ही थिंक्स इट्स लकी. तो अगर करण मानता है कि देर इज मैजिक इन हिज बैट, इसमें हर्ज क्या है? करण, गो, पैड अप. एक मिनट मम्मी, एक मिनट. ना, पैड अप. सब मेरा बात सुनने का. जब करण बैटिंग करने को आएगा, सब चेयर करेगा. चेयर, ओके? चेयर, चेयर, चेयर. सुनना, सुन, सुन, सुन. कोई मेरा बात नहीं सुना. ये एक सिंपल नॉट, ये एक अंडा, ये दूसरा अंडा, ये हो गया. Come on, lads. अरे एक सेकेंड प्लीज प्लीज. Okay, guys, that was great. That was fantastic. 150 to win. That's easy. मैं कहता हूँ मैच जीतते हैं, कप हाथ में लेते हैं और फिर पार्टी करते हैं. ठीक है, बाद में, बाद में. और फिर पार्टी करते हैं. थ्री टू वन इंडिया. मेरा बैट, मेरा बैट. अरे मेरा मैजिक बैट कहाँ है? क्या हो गया करण, क्या ढूंढ रहे हो? तैयार ना, तू तो करण का दोस्त है. राघव, सॉन्टी छोड़, सॉन्टी प्लीज यार, छोड़ ना सॉन्टी. और बैटिंग नहीं करनी. ए राघव, कम ऑन करण, करण, करण. सर आपने करण को देखा है क्या? करण कहां गया? सर वो अपने दोस्त के पीछे भागा था, मैंने उसे रोकने की भी कोशिश की लेकिन वो भाग गया सर. अंपायर्स फील्ड पे आ गए हैं, वी हैव टू ओपन नाउ. सोहेल, यू ओपन विद मी. ओके बॉयज, उसे ढूंढो. सर, यू सेंड हिम वन डाउन. अरे यार प्लीज. हाँ हाँ, अरे यार बाद में, बाद में. हाँ ये क्या मारू, वेयर इज करण? Why isn't he opening with Varun? I think कोई नई स्ट्रेटजी है. Leg stump please. क्या हुआ वरुण भाई, आपका छोटा चेतन किधर है?
बड़ा शाना समझता है ना अपने को तू? ये बैट मिल गया इसलिए? अगर ये बैट अपुन के पास होता ना तो आज तेरी जगह अपुन होता, उधर मैदान में सब अपुन का नाम लेता। अगर ये बैट तेरे पास नहीं होता ना तो तू भी अपुन जैसा ही रहता। अभी मैं तेरे को ये बैट नहीं देगा। वसीम की अगली बॉल एंड ही इज लिफ्टेड द बॉल, लेकिन वहां फील्डर मौजूद है एंड अ सुपर कैच। गुड कैच। आधा पादा कौन पादा, किसमें ताकत सबसे ज्यादा? राघव दादा, करण दादा नहीं। मेरे को नहीं मिला ये बैट ना, तेरे को भी नहीं मिलेगा। तोड़ देगा मैं ये बैट, फिर देखता है कौन बोलता है करण दादा करण दादा। यार राघव प्लीज यार ऐसा मत कर, वहां मैच चल, प्लीज यार। नहीं, मैं ऐसे ही करेगा। मेरे को क्यों नहीं मिला है बैट? मेरे को भी नाम चाहिए, पैसा चाहिए, मैं भी चाहता लोग मेरे को प्यार करे। अगर ये बैट नहीं रहेगा ना तो तेरे को भी कोई नहीं पूछेगा। ये बैट ही पनौती है राघव, मत इसका तो मैं। अरे राघव, की हालत गंभीर और ये एलबीडब्ल्यू के लिए अपील, अंपायर पर दबाव और अंपायर ने आउट दे दिया। इंडिया के लिए एक और छक्का। इंडिया 75 for 4, एक बेहतरीन शॉट और ये कमाल का कैच। इसी के साथ इंडिया ने अपनी 5 विकेट खो दी। अब लगता है सारा प्रेशर इंडियन कैप्टन वरुण पर, वरुण अकेले ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। मैजिक बैट टूट गया है, मैं अब क्रिकेट नहीं खेल सकता। मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। करण, कहाँ चले गए थे तुम? तुम्हें कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं? कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, बैट अप क्विकली, तुम्हें बैट करना है नेक्स्ट। नहीं सर, मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? सर, मेरा मैजिक बैट टूट गया। ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारे बैट में कोई मैजिक फैजिक नहीं था। यहां इतने अच्छे बैट्स हैं, तुम इनमें से किसी से भी सेंचुरी मार सकते हो। कम ऑन, तुम इससे बैट करोगे, टीम को तुम्हारी जरूरत है और वरुण को भी। और इसी के साथ वरुण ने अपनी सेंचुरी भी पूरी कर ली। अ ब्रिलियंट ब्लॉक बाय द इंडियन कैप्टन अंडर प्रेशर, और वरुण ने एक बार फिर ये दिखा दिया कि वो डिपेंडेबल है। अ सुपर्ब इनिंग, लेकिन ये देखना बाकी है कि इंडिया ये मैच जीतती है या नहीं। कपिल पाजी जिंदाबाद। शॉट
आ गया। दोस्तों करण वापस आ गया है। माँ बेटे को अपने से अलग रखना चाहिए लेकिन बेटा माँ से अलग नहीं रह सकता। आई न्यू इट। हाँ लेकिन अब इंडिया को सिर्फ 7 गेंदों में 16 रन बनाने। ओवर की लास्ट बॉल है, रन नहीं लिया तो नेक्स्ट ओवर मुझे फेस करना पड़ेगा, मुझे रन लेना ही पड़ेगा। वरुण भैया रन रन रन। जरूरत ही नहीं थी इस रन की। I don't know why India is taking such a risk in this situation. क्या कर रहे हो? It's the last wicket. Sorry वरुण भैया। लास्ट ओवर 6 बॉल्स और 15 रन और इसे कहते हैं कमाल का 4 रन के लिए। मैच अब एक बहुत एक्साइटिंग स्टेज पर है। एक बेहतरीन शॉट, कमाल की फील्डिंग, रन ना लेने का बहुत सही डिसीजन। लगता है कि अब दोनों टीम्स पर प्रेशर बराबर का है। इंडिया पाकिस्तान सीरीज का ये फाइनल मैच एट अ क्रूशियल सिचुएशन। आगे बढ़ते हुए ब्यूटिफुल स्ट्रोक स्ट्रेट फॉर 4 रन, कंप्लीट कंट्रोल ऑन दैट बॉल। 7 रन की जरूरत। फाइनल लेग की तरफ खेल दिया, बॉल रेसिंग टू द बाउंड्री। दूसरा रन भी कंप्लीट। और ये बेहतरीन फील्डिंग के लिए आगे बढ़ते हैं। बेहतरीन थ्रो सीधा विकेट कीपर के पास, लेकिन करण ऑलरेडी इन द क्रीज। दैट वाज अ क्लोज शेव एंड नाउ फाइनली करण विल फेस द बॉल। कम ऑन कम ऑन। मूव मूव। बहुत ही डेंजरस बॉल थी वसीम की। आई होप करण इज नॉट सीरियसली इंजर्ड। और अंपायर वसीम को वार्निंग देते हुए। वसीम वसीम हमारे यहां जीते देखा जाएगा। वी प्ले फेयर। यू के मैं नहीं खेल सकता वरुण भैया, मैं नहीं खेल सकता। मुझे यहां से जाना, मैं यहां पे नहीं रह सकता। मैं एक 13 साल का छोटा अनाथ बच्चा हूँ, मैं फास्ट बॉलर्स को नहीं फेस कर सकता। तुम क्या कह रहे हो? हाँ क्या हो गया तुम्हें? I'm sorry वरुण भैया, वो राघव ने मेरा मैजिक बैट तोड़ दिया और मेरे मैजिक बैट के बगैर मैं कुछ नहीं हूँ। लिसन टू मी करण, उस बैट में मैजिक नहीं था, मैजिक तुम में है। तुम्हारे विश्वास के बिना वो बैट कुछ नहीं था। बिलीव इन योर सेल्फ करण, बिलीव इन द मैजिक इन यू। मैंने देखा है वो मैजिक, हम सब ने देखा है। कम ऑन करण, कम ऑन, यू कैन डू इट। कम ऑन सन, यू कैन डू इट। कम ऑन। टीम छोड़ दी, अब तो इंडिया के लिए क्रिकेट नहीं खेलेगा। अभी नहीं डब्बू, बाद में। क्यों? क्योंकि तेरी मैजिक बैट टूट गई ना? वो तो है, लेकिन तुझे पता है डब्बू, वरुण भैया ने कहा था कि मैजिक तो हमारे अंदर होता है, हमारे विश्वास में होता है।
तो इसलिए मैं आज से पढ़ूंगा, लिखूंगा, क्रिकेट प्रैक्टिस भी करूंगा, अपने अंदर वो मैजिक लाऊंगा, फिर ही इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खेलूंगा। लेकिन डब्बू, वो 3 हफ्तों में हम लोग ने बहुत मजा किया। मैं वरुण भैया के साथ रहता था, उनके साथ खाता था, पीता था, उनके साथ स्विमिंग भी की, साइकिलिंग भी किया, उनके घर पे भी गया, तुझे पता है? करण दादा, करण दादा, क्या है? तेरे को हिटलर बुला रहा है। ये हिटलर भी ना कभी भी बुला लेता है, उसको तो कुछ काम धाम है नहीं, हम लोग बुलाता रहता है। ये लोग क्यों नहीं समझते, अब मैं इंडियन क्रिकेट टीम में नहीं हूँ। अरे वरुण भैया, मालिनी आंटी। हापा जहाँ पे कैसे है? नहीं ऐसे जस्ट। वरुण, हम सोच रहे थे कि अगर तुम्हें तुम्हें एतराज ना हो तो यू नो तुमसे परमिशन लेना चाहते हैं कि तुम घर आओ और वरुण, जस्ट गेट टू द पॉइंट। हाँ गॉड मालिनी, ये तुम्हें प्रपोज करने से 30 times मुश्किल है, प्लीज। अब ओके, हम तुम्हें फॉरएवर के लिए अडॉप्ट करना चाहते हैं मालिनी। मालिनी, वरुण, करण, 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 प्लीज। ठीक है, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। आप मुझे नहीं डांटोगे? ओह, डन। जब भी मेरा मन जाएगा मैं सोऊंगा। ओके। 24 घंटे टीवी? ठीक है, यस। लेटेस्ट वीडियो गेम्स? लेटेस्ट वीडियो गेम्स। आइसक्रीम? आइसक्रीम। बर्गर? बर्गर। पिज़्ज़ा? पिज़्ज़ा। साइकिल? साइकिल। कंप्यूटर और एसी मेरे कमरे में, ये सब मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मम्मी डैडी चाहिए। Basket, come on, you bloody hero. Full floor, I want shining, okay? Come on, quick, quick, come on. मैं सच में मेरे लकी बात से भी ज़्यादा लकी था। मुझे मेरे मम्मी डैडी दोनों मिल गए। लेकिन वरुण भैया ने सही कहा था, मैजिक तो हम सब में होता है, बस खुद में विश्वास करने की जरूरत है।